हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण ब्लॉग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड से रिलेटेड नोट्स मिलते रहे और वीडियो को एंड तक देखें। एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने लास्ट में पीपीटी ऐड किया है ताकि वहां से आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो पेपर टू सेमेस्टर वन का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का है, जिसमें यूनिट थ्री पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया का है। इस टॉपिक में हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में दो टाइप के एजुकेशन सिस्टम थे, एक वैदिक और दूसरा बुद्धिस्ट। तो आज हम लोग वैदिक एजुकेशन सिस्टम देखेंगे और इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एम्स ऑफ एजुकेशन या फिर साइलेंट फीचर्स आपसे पूछेगा, या फिर आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है आपसे, या फिर कोई भी दो पीरियड के बीच कंपैरिजन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम में एजुकेशन जो था वो कैसा था? तो जो एजुकेशन का मेन जो इम्प्रेशन था वो क्या था? सबका मानना था कि एजुकेशन वो सोर्स ऑफ लाइट है जो कि हमें सही रास्ता दिखाता है। हमारे जो लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होता है उसमें हमें सही रास्ता दिखाता है। उस टाइम का जो एजुकेशन था वो स्पिरिचुअलिस्टिक था, मटेरियलिस्टिक था। उस टाइम पे जो मेन गोल था एजुकेशन का वो क्या था कि जो वहाँ पीपल होंगे या फिर जो स्टूडेंट होंगे उनके मॉरल्स का अपलिफ्टमेंट, मीन्स जो नैतिक होगा, उनका नैतिकता होगा, उसका अपलिफ्टमेंट करना। एजुकेशन जो दिया जाता था एंशियंट टाइम में वो वेदास के थ्रू, ब्राह्मणास के थ्रू, उपनिषद्स, धर्म सूत्राद, ये सब के थ्रू दिया जाता था। ऐसा मानना था कि जो ऋग्वेद है वो क्या करता है, तो स्टूडेंट का सिर्फ ना केवल आउटर डेवलपमेंट कराता है बल्कि इनर डेवलपमेंट भी कराता है। ठीक है, मीन्स बोथ आउटर एंड इनर बोथ टाइप का डेवलपमेंट कराता है स्टूडेंट का। और ऐसा मानना था कि नॉलेज जो है वो पावर है, अगर आपके पास नॉलेज है देन आपके पास पावर है। एंशियंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम दो तरह का था, एक वैदिक पीरियड में था और एक बुद्धिस्ट पीरियड में। वैदिक पीरियड में जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था वो संस्कृत था और बुद्धिस्ट पीरियड में मीडियम ऑफ लैंग्वेज पाली था। एजुकेशन कहाँ दिया जाता था उस टाइम पे? एंशियंट में, प्राचीन काल में एजुकेशन कहाँ मिलता था? तो टेम्पल्स में मिल रहा था, आश्रम्स में मिलता था, गुरुकुल्स हाउसेज में मिलता था। और मेन फोकस किस चीज़ पर वो लोग करते थे कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन आए, आप ट्रुथफुलनेस आए, एथिक्स का डेवलपमेंट हो। ठीक है, एजुकेशन जो दिया जा रहा था वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि आपको उससे नॉलेज मिले। ठीक है, और वो ब्लू स्काई के अंदर दिया जाता था ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, जिससे आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ऑलराउंड मीन्स इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल एंड सोशल। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था एंशियंट टाइम में एजुकेशन का, कि इस टाइप से वहाँ पे एजुकेशन था। सबसे पहले वैदिक एजुकेशन सिस्टम आया। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था वो दो पार्ट में था, एक प्राइमरी एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों को मिलता था वो उनके घर में मिलता था, उनके फैमिलीज में मिलता था। उस टाइम पर एक संस्कार होता था 5 साल पे, विद्यारम्भ संस्कार। इसमें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, जैसे बहुत सारे जगहों पर जनेऊ होता है या फिर नामकरण होता है, तो इस टाइप के जो संस्कार होते थे उनको विद्यारम्भ संस्कार कहा जाता है। इसके बाद बच्चे पढ़ना लिखना घर में ही शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपके फैमिली प्रेस्ट के थ्रू शुरू कराया जाता था। फिर आता है हमारा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन गुरुकुल्स में दिया जाता था। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज था एडमिशन का गुरुकुल में। ब्राह्मण के लिए 8 ईयर्स, क्षत्रिय के लिए 10 ईयर्स, वैश्या के लिए 12 ईयर्स। और ये जो एडमिशन था गुरुकुल में, एडमिशन का जो ये क्या बोलते हैं प्रोसेस था, इसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। ठीक है, जब आपका विद्या आरंभ हो रहा है फैमिली में, तो प्राइमरी एजुकेशन में वो विद्यारम्भ संस्कार एंड हायर एजुकेशन में उपनयन संस्कार। और जब आप एडमिशन ले चुके हो उस समय से 10 साल तक अगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लिटरेचर का नॉलेज हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। और 12 ईयर्स तक अगर आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वेदास का पूरा नॉलेज हो जाएगा। उस टाइम पर दो टाइप का विद्या होता था, एक पारा विद्या और एक अपारा विद्या। पारा विद्या जो था वो हाईएस्ट नॉलेज देता था और अपारा लोएस्ट नॉलेज,
यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन होता था, मीन्स सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति। और अपारा विद्या में 4 वेदास पढ़ाया जाता था और 6 वेदांगास पढ़ाया जाता था। इसमें लैंग्वेज और स्किल पे ध्यान दिया जाता था पारा विद्या में। देन है एम्स, एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। कैरेक्टर का फॉर्मेशन कराया जा रहा था, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल लिविंग के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता था, कल्चर का ट्रांसमिटेशन होता था। एजुकेशन ओनली अ मीन्स था केवल वहाँ पर, ठीक है, एजुकेशन एक जरिया था, मतलब कह सकते हैं जैसे बोलते हैं ना कि हम गुरुकुल जा रहे हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, वहाँ पर हम पढ़ने के बाद वहाँ से हम सारा नॉलेज लेने के बाद वापस आएंगे। तो हाँ, आप वहाँ नॉलेज लेने तो जा रहे हो, सीखने तो जा रहे हो, लेकिन वो सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाता था वहाँ पर, आपको लिविंग के लिए प्रिपेयर किया जाता था, आप सेल्वेशन को गेन कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन तक आप पहुँच सके, ठीक है, मतलब आप खुद से संतुष्ट हो सके, ऐसा आपका डेवलपमेंट कराना था। तो ये सारे एम्स थे एजुकेशन के वैदिक पीरियड के टाइम पे। देन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको पॉइंट्स ही याद रखना ज़रूरी है, पॉइंट याद रहेगा तो आप उसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बस पॉइंट याद रखो। परफेक्शन इन एजुकेशन क्या था उसका, वैदिक एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो एजुकेशन में परफेक्शन देता था। एजुकेशन स्टार्ट होता था फैमिली से, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ये स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया गलती से, एजुकेशन इन फैमिली, ठीक है, ये फैमिली में स्टार्ट होता था एजुकेशन वहाँ पे उस टाइम पे। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था, संस्कृत मीडियम था इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, एजुकेशन ट्रैवल करके भी मिलता था, आइडियल ऑफ टीचर, इक्वल राइट्स मिलता था एजुकेशन के लिए, ठीक है, वहाँ पे लिबरेट द सोल फ्रॉम वर्ल्डली बाउंडेज, मतलब कि जो वहाँ पे जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए उनको बाहर की सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता था, जो भी है गुरुकुल के अंदर तक ही सीमित है। वेदाज आर द ओल्डेस्ट, ये तो सभी जानते हैं कि वेदाज ओल्डेस्ट लिटरेचर है। सुटेबल एज ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे वैदिक एजुकेशन में एज जो था एजुकेशन का वो सुटेबल था। तो ये सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिर है करिकुलम, करिकुलम जो था वो एलिमेंट्री के लिए कुछ था और हायर के लिए कुछ था। हायर में संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाया जा रहा था, रिलीजन एंड मोरल नॉलेज दिया जाता था उन लोगों को, वैदिक लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था। एंड यहाँ एलिमेंट्री में ग्रामर, काउंटिंग, सोशल बिहेवियर ट्रेनिंग, बाकी सारी चीज़ें बताई जाती थी। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, फ्री एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या था, तो मेनली वहाँ पे 2 मेथड था, एक ओरल और एक चिंतन। ओरल में क्या होता था कि टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, एंड चिंतन में बच्चे जो सुनते थे उस पर अपना रीजनिंग को यूज़ करना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है, चिंतन करते थे उस चीज़ पर। फिर मेमोराइजेशन भी यूज होता था वहाँ पर, मतलब कोई कुछ दे दिया जाए टॉपिक और उसको बच्चे याद करते थे, बार बार उसको रिपीट करना, बोल बोल कर दोहराना। फिर इंट्रोस्पेक्शन, ये भी एक मेथड था वहाँ पढ़ाने का, जैसे सबसे पहले उसमें क्या होता था, इंट्रोस्पेक्शन में श्रवणा होता था, फिर मनन होता था, फिर निधि ध्यासना। ओके, तो श्रवणा में क्या होता था कि टीचर की बात सुनते हैं बच्चे, मनन में वो जो सुने उसको समझते हैं, फिर निधि ध्यासना, निधि ध्यासना में क्या होता था कि उसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं। फिर स्टोरी टेलिंग मेथड भी यूज़ होता था वहाँ पर, फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, हैंड ऑन मेथड, टीचर एंड डिसिप्लिन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते थे। देन मेरिट्स है वैदिक एजुकेशन का कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता था, बच्चे से पैसा नहीं लिया जाता था एजुकेशन का, वो जो भी क्या बोलते हैं उसको, बेगिंग करते थे, जो भी भिक्षा मांगते थे उसी को वो अपने गुरु को देते थे और उसी के थ्रू वहाँ पे पढ़ाई होता था। ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन था उस टाइम पे, ऑलराउंड डेवलपमेंट कराया जाता था, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से किसी को कोई मतलब नहीं था, स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था, डेवलपमेंट होता था, बेस्ट और इफेक्टिव टीचिंग का, स्टूडेंट और टीचर दोनों का लाइफ वहाँ पे डिसिप्लिन था, टीचर एंड स्टूडेंट, वहाँ उस टाइम पे टीचर को गुरु कहा जाता था, तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच गुड रिलेशनशिप बनता था, ये एक प्योर इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था यहाँ पे, और बेगिंग जो कराया जाता था, बच्चों को जो भिक्षा मांगने भेजा जाता था, उसका मेन एम क्या था कि बच्चों के अंदर टॉलरेंस का कैपेसिटी को डेवलप कर सके, ठीक है। और फिर डी मेरिट्स यहाँ पे कुछ है कि
ये एक अनसाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। इरेगुलर करिकुलम है यहाँ पे, जिसमें रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब रटंत वाला जो विद्या होता है ना उस पर ज़्यादा ध्यान, वो चीज़ तो बच्चे भूल भी सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेग्लिजेंस था, मतलब किस चीज़ को अनदेखा कर दिया जा रहा था, तो वर्नैकुलर लैंग्वेज या सब्जेक्ट को, मतलब बच्चे जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उनके रीजन के बारे में उनको पढ़ाया ही नहीं जाता था। शूद्रास का एजुकेशन वहाँ पे उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है। गुरुकुल्स में सिर्फ तीन कास्ट आते थे, तीन वर्ण आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य। और मास एजुकेशन का भी उस टाइम पे नेग्लिजेंस था। तो ये सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसका मेथड्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एम्स, और एंशियंट टाइम पे एजुकेशन कैसा था,